पशुओं की बात पशुपालकों के साथ पशुपालन विकास में देखने वाले सारे भाइयों राम राम। नमस्ते दोस्तों, पहुंच चुके हैं गांव चरखी है, जिला दादरी है। दादरी से भवानी रोड पे बिल्कुल ये पहला ही गांव पड़ता है। दादरी से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। बिल्कुल अपने दादे परदादे के अपने माता पिता के काज तो सभी न करे हुए, कोई काज कहता है बिल्कुल, कोई सतरमी कह दिया है, कोई जीवना कह दिया है, पंजाबी भाषा में इसको लोग भोग बोल देते हैं। तो बिल्कुल एक ऐसा गजब गजब कारनामा देखने के दिखाया, बिल्कुल पता लग गया भाई गांव दादरी में, गांव चरखी में हुआ। तो बिल्कुल उनकी वीडियो कवरेज करने के लिए, उनसे जानने के लिए कैसे क्या विचार आया, कितने पशु उस भैंस से लिए, और पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। राज सिंह जी से और उनके भाई से आपकी मुलाकात कराते हैं। पूरी वीडियो आप सभी जरूर देखनी है। हरियाणा पंजाब के पशुपालकों के लिए बहुत अच्छी सीख देने वाली ये वीडियो हमारी होने वाली है कि किस प्रकार हमारा एक पशु हमारे घर का मेंबर के जैसा होता है। तो पूरी वीडियो आप सभी सारे भैया ने जरूर देखनी है। तो दर्शक साथियों, राज सिंह जी तो जैसे अवेलेबल नहीं, थोड़ा बोलने में हिचकिचा रहे हैं। उनके बड़े भाई हैं सुखबीर सिंह जी सागवान। सागवान साहब, इनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और भाई जानेंगे कैसे क्या विचार आया। तो सुखबीर सिंह जी, सबसे पहले तो आपको राम राम, नमस्कार। राम राम एक बार सब भाइयों, राम राम भाई, सब भाइयों राम राम, सब राम राम। एक बार सारे भाई ने अपना परिचय दे दो जी, कौन सा आपका गांव है, कौन सा जिला है और कहां पर आपका गांव पड़ता है, क्या आपका नाम है? ठीक ठीक ठीक। और आपका शुभ नाम? सुखबीर। सुखबीर पिताजी का? रिसाल सिंह। रिसाल सिंह, ये भैंस का काज करया? हाँ। क्या नाम रख रखा था भैंस का? लाडली। लाडली, तो आप भैंस की ना कहेगा लाडली का इतना लाडली को, लाडली को ही पुकारेंगे। तो लाडली भैंस का जो आपने काज करया, वो विचार कैसे आया मन में कि भाई हम काज करा? इस भैंस ने मारा इतना धंधे दिया, कौन था कितना धंधे दिया जी? करोड़ों का टपा दिया जी, करोड़ों से भी। ठीक ठीक, क्या क्या बदला उस भैंस के घर माने के बाद? हमारा सब कुछ प्लाट लिया था उस भैंस के लिए। कितने का लिया था प्लाट? लिया था 7.5 लाख का प्लाट। कई साल पहले? 363 रोजगार कई लाखों का हो रहा है। कई लाखों का हो रहा है? अच्छा अच्छा, अब कई लाखों का प्लाट हो रहा है। और भी बच्चे भी पढ़ाए, घर के सारे खर्चे भी चलाए, फिर उस भैंस की कुकर भूमिका रही? मेरा यह बात गैट समझ में आई थोड़ी, क्योंकि जो वीडियो भाई देखेंगे उनको कैसे बताना चाहिए। कुछ इसके लगाए? ठीक ठीक। अच्छा, दूध घड़ा दिया कर दी? 22 किलो दूध दिया भैंस ने। 22 किलो मतलब लगातार दूध दिया? 24 बार लगातार, एक दिन भी नहीं नट। कितना दूध दिया कर दी? 22-23 किलो पीक टाइम पे। ठीक ठीक ठीक, पीक टाइम पे 22-23 किलो दूध देती थी। पशु कितने लिए अपन उससे? उस टाइम लगी 24 कटड़िया। और सारी कटड़िया दिया? सारी कटड़े दी गई। इस बात का निराद समझ माया सुखबीर जी, सारी कटड़िया कुकर दिया? सारे कटड़े दी गई। अंदर खड़े लिया बिता। और कौन से उसके पशु? ये राज सिंह जी है आपके भाई है? हाँ जी, मेरा भाई है, ये भैंस है। अच्छा, उसकी कटड़िया कौन कौन सी है? ये तीन उसी की है? हाँ जी। और उसके इनके फिर आ गई अभी बिहारी, इनकी कटड़िया? हाँ, बेड़ी बेड़ी। ठीक ठीक, एक अच्छी बहुत अच्छी ऑर्डर क्वालिटी, एक वहाँ दिखा दी भाई, एक यहाँ भी उससे की? यहाँ भी उससे की। अंकित जी और दिखाओ गुंडू साहब, यहाँ भी उससे की? यहाँ भी उससे की। मतलब 5-6 पशु तो अभी भी घर पे अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ उसकी उसकी बेटी की बेटी? बेटी की बेटी। ठीक ठीक, मतलब बहुत अच्छा पशु धंधे का काम कर रहा है। मरती छोड़ दी गई है। अच्छा अच्छा, यार जो आखिरी का 24वां ब्याह था उसकी आगे लिया, इसने कड़ा महा पकड़ के एक बार मरती मरती छोड़ दी गई है। अच्छा, यार की बार छोड़ के गई? यार छोड़ दी गई। अच्छा, वैसे उसके देखो एक उम्र हो रही थी मरने की, या बीमार भी मुड़ जाए? फूल दिखा हमारा गाँव में तकड़ी बीमारी आई, कुछ नहीं हुआ। कौन सी बीमारी आई थी? वो आई थी घर खाली हो गया था। अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो सुन भी उसमें कोई आँख भी नहीं दिखती। ठीक ठीक, मतलब बढ़िया भैंस थी। आपके घर पे? आपके घर। ठीक 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 ठीक, वो कैसा क्या दूध दे रही है? दूध दे रही है, बोल लेगा था। ठीक ठीक, किसान का 17 किलो से 22 किलो दूध था। आप बता रहे हो 22-23 उसको बेटी को 22 किलो आ गई खड़ी है, इससे कैसे वो उसका भी 22 किलो दूध आ जा। कौन सी कह दी? थोड़ा आगे ले आओ जी थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, इसके नीचे भी 22 किलो? इसके नीचे 22 किलो
डिलीवरी को कितना टाइम हो चुका है? दो महीने ब्याज में हुए है, दो महीने हो चुकी है, ब्याज में 3.5 महीने हो चुके हैं, 2 महीने की प्रेगनेंट है और 16 किलो बीबी दूध। अपने आप सको अच्छा, आप उसने जैसे प्रेगनेंट वगैरह कराते थे 24 बार आप नवा प्रेगनेंट कराई, आप तो कटड़ी आई थी भैंस के नीचे कटड़ी लगा तो सीमन रखवा करते झोटे तक करवाऊंगा जी, हमने किसी भैंस का सीमन नहीं रखा, झोटा अपने घर पर था या गाँव में था? गाँव में था, जब तो ये अपने घर पर रख ला गया, खड़ने का झोटा आपने रख रखे है। ठीक ठीक, एक बेच दिया कि भी आप देखे है घर पर? हाँ, एक घर पर बिल्कुल बहुत बढ़िया बुल्ब है भाई। अरे कारण क्या था मतलब दूध देने का, लंबे टाइम तक दूध देने के डाइट सेट बना रखा था सुखबीर जी, के खिलाया कर जंगल की चराई, जंगल की चराई, जंगल में साहब भी जंगल में देखने, जंगल में खड़ी है। हां बिल्कुल भाई, इतना पशुवार है, हमने सोचा मतलब खेतों में वीडियो शूट करेंगे तो मतलब जंगल की चराई, जंगल की चराई। ठीक ठीक ठीक, सुबह कितने बजे आ जाते हैं पशु अपने यहां? सुबह आ जाते हैं 9:30 बजे। और घर कितने बजे? 5 बजे बीबी टाइम पर जाएगा दारा लिकड़ा है। हाँ, जाके बीबी जा लेगा जब करना। एक सुखबीर जी साहब और साहब अपना के है, मैं ये और जानना चाहूँगा अपना दूध का काम है, पशु सेल प्रतिशत का काम ज्यादा है, दूध में पशु बहुत कम रखा है, लोग दूध ज्यादा बेचो हो या फिर सेल परचेज करो पशुआ की? जी हम लोग शौक से रखने का। अच्छा अच्छा, रखने हैं इसका खाना भी ज्यादा, तेरह को तेरह के साल फ्री आदमी आ जाए उसको दे भी देते हैं। ठीक ठीक ठीक, नहीं मान जाते देने के लिए जोड़ के लेगा ऑनलाइन नहीं टेक रहे। ठीक ठीक आपने कहा तो मैं इसका 50,000 दूंगा, 50 से ले ला, कटिया ले जाना था हो, आपने कहा 10,000 दूंगा तो 10 में दे दिया, मैं मारे का नाम ना चल लग गया। ठीक 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 ठीक, उसकी कटड़ी अगर उसकी कटड़ियां कटड़ी कितने पशु दे चुकी होगी गांव-गांव में? गांव-गांव में 10-12 पशु दे चुके जी अब तक करंट में, 10-12 पशु गांव में भी दे चुकी है, रिश्तेदारी हुआ है ऐसे कटड़ियां कटड़ियां रिश्तेदारी में जा रही है, कोई जो काज करया से तरुणी करी भोग करया एक प्रकार से किसी भी एक महीना एक सब अलग अलग है, विचार किसका था, आइडिया किसके दिमाग में आया, जो में पहली बार ऐसा काम होया है? वो मेरा लड़का था पारी का था जी। अच्छा अच्छा, भाई का लड़का था पारी का था, मैंने इतनी सेवा दे दी, इतनी मंदी है मैंने खर्च करना चाहूँ। ठीक ठीक ठीक, हम भी सारे बहुत खुश हुए हैं, पानी दावत दी है। अच्छा, नंदे नंदे मतलब जो इनविटेशन होंगे आप दावत बोलना? हाँ, जो मेन जो दी सादी जो उसकी सादी जा रही है वो शरीर होंगे भी मेन पानी चुला नींद कर दी, पूरे पानी की चुला नींद, चुला नींद। रिश्तेदार रिश्तेदारी सारे रिश्तेदारी आई हमारी छोटे बंदी अच्छा, रिश्तेदारी मेरी बकरी होगी, किसी ने नहीं मजाक दानी किसी ने मजाक करा दिया, मैं फूट रहा हूँ विचार था इस भाई का, इस भाई का राजा भाई साहब एक बार आप भी आज हम भी खुश हुए इस भाई थे, इसने वो काम करो वगा और लिया भाई 20-22 किलो दूध की गाय है जी यारी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, एक बार सारे भाई राम राम। राम राम जी, क्या शुभ नाम है बड़े भाई? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र राज सिंह जी के लड़के? ठीक ठीक ठीक, आपके दिमाग में कुकर विचार इतना दे दिया, मेरे विचार में नहीं आगे भाई इसका काज करेंगे। अच्छा अच्छा, कितना खर्चा लाएगा काज कूज में? काज में कितना को हम तो जोड़ा नहीं है। ठीक ठीक भैया, तो देखो बैठ थी उस बस। हाँ अच्छा अच्छा, फिर विचार एकदम आ गया अभी काज करूंगा बैठा बैठे। आपको किसी और आइडिया किसी को नहीं दिया मैंने तो अपने बैठे बैठे ने एक लाने सोचे मोई भैंस का काज करेंगे। ठीक 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 ठीक, मतलब उसकी उसकी डेथ की बात करा, वो कब हुई थी? वे रात को 12:30 बजे। 12:30 बजे बता रहे थे पापा बैठे में, जो घर पे बैठे थे प्लाट में, अगर भाई लास्ट दिन भी दूध दिया है? लास्ट दिन दूध दे दी जिस तरह काट के बैठी रात ने बैठी थी। हाँ बैठी पे तड़के उठी नहीं। ठीक ठीक, काट दा बैठी उसके नीचे फिलहाल लास्ट मतलब मृत्यु से पहले मरने से कितना दूध था? 8 किलो। 8 किलो भी था? हाँ, घी का घी बात करा भाई, पूरा था पूरा घी। हाँ ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, बिल्कुल एक अच्छा विचार आया कि अभी मतलब हमें इससे यही सीख मिलती है भाई कि हमें अपने हरियाणा में पंजाब में पूरे भारत देश में अपने घर में भाई सब भाई करो, सब भाई से सब भाई करो। बिल्कुल भाई, अपने पशुओं को देखो धन सोन से सभी लेते हैं, उनका दूध आप सारे बेचा है, पशु से आप मुनाफा कमावा है। एक जो मुहिम इस परिवार ने चलाई है, इधर राज सिंह जी, जो मुहिम इस परिवार ने चलाई है, जो एक अलग अजब गजब तरीके का जो कारनामा कर दिया भाई, इसके लिए पशुपालन विकास मंच की पूरी टीम भी इनका बार बार धन्यवाद करती है। एक ऐसी जो अच्छी सोच है भाइयों ने बिल्कुल इस देश को, इस हरियाणा प्रदेश को, हरियाणा के पशुपालन की दृष्टि से देने का काम किया है, सारे भाइयों को हम बार बार नमन करते हैं भाई। और के कहना चाहोगे भाई साहब हरियाणा में? हाँ एक सेकंड रुक जाओ, ये कहना चाहते हो संगवण साहब? ये कहना चाहते हैं भाई साहब, सब भाइयों नमस्कार मेरी। हाँ भाई, इतने धन जिसका पशु दे दे उसका
आखिरी टाइम में उसका हाड मत बेचो, उसको घर ही उसका संस्कार करो। अब बहुत से के अगर दूध तना अट जाए बीमार हो जाए कोई काटड़ा दे दी, काटड़ा दे दे। आपने भी दिया अपनी लाइफ में कोई पशु का? कोई नहीं दिया जी आज तक का रिकॉर्ड है? कोई रिकॉर्ड है हमारा। कितने पशु देख लिए होंगे अपनी लाइफ में आपने अपने घर पे? मतलब हाईएस्ट पशु इतने घने पशु देख लिए जी? ये हाल की घड़ी में कितने पशु है? 60 साल को ऊपर हो लिया जी। ठीक ठीक ये भी करंट में कितने पशु आज के टाइम में घर पे? हमारे घर पर सारा का तो घना से भाइयों का तो सारे के बता दो एक बार तो। सारा का 30-35 पशु है। 30-35 पशु है भाई बिल्कुल। और पशुओं से बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रेम प्यार ये भाई करते हैं, इस बात का बिल्कुल आप उदाहरण दे। सारा भाइयों जो है हमारे घर 18-19-20 किलो दूध की भैंस से, उससे कम की नहीं, उससे कम की नहीं है। डाइट चार्ट की बात करा के खिलाओ हो भैंस ने? हम दड़ी चाट से ऊपर गिरते नहीं। दड़ी चाट खाओ और बिंदोड़ा, खड़े बिंदोड़ा पका पैकते हैं सारे भाई, और कुछ छोटी मोटी जो आपके सब आदि वाची दे देते। ठीक ठीक ठीक, कुछ नहीं करते बिल्कुल भाई। पशुओं की बात पशुपालकों के साथ पशुपालन घुमा दे डांगरा का बिल्कुल भाई। ये पशु आप लोग देख भी सकते हो एक बार, गाना और ला दे भाई, गाना और दिखा दे। एक गाय के बारे में आप बता रहे थे यारी जी। अच्छा कितना दूध देती है अपनी देसी गाय है? 18-19 किलो दूध का देना है। 20 कर दे जी। 20 किलो कौन सा ब्याता है इसका? तीसरा यह भी घर पे तैयार कर यारी। अच्छा ये इधर वाली जो बच्ची है या बीस की है? काली वाली अरवा 20 से की है। वो सफेद सी है वो 20 से की? यो बग्गी खतर बड़द है। यू 20 से का है ना? बड़द अलग है जी, बड़द अलग है। इसका मतलब तीसरा ब्याह में ब्यारी है या? हाँ तीसरे ब्याह में, चौथे ब्याह में ब्याह होगी। दो तो ये बच्चिया रही इसकी है, चौथे में ब्याह होगी। चौथे में ब्याह होगी ठीक। ईब कितना के दूध दे रही है? अभी कितना टाइम रहता है डिलीवरी का? बहुत से लोग हजारों लाखों लोग इस वीडियो में देखेंगे। कोई भाई कोई पशु आप सेल करना नहीं चाहूंगी? और कोई भाई लाड प्यार में सोचा तो उसमें खाना चाहिए है? खाना पटिया दे देंगे, भैंस नहीं बेचेंगे। ठीक ठीक कोई कटड़ी मान लो यहाँ कटड़ी आपकी बार भाई जितने भी पशु हो रहे आज इनके घर पर बिल्कुल भाई राज सिंह जी के सुखबीर जी के घर पर जितने भी पशु है सारे उस लाडली भैंस की देन है। भाइयों ने बहुत बढ़िया परंपरा चलाई है, बहुत बढ़िया काम कराया है बिल्कुल। बार बार इनका धन्यवाद करते हैं। तो मैं एक अनुरोध करूंगा सुखबीर जी के बार अपना मोबाइल नंबर और अपनी डिटेल और बता दो, कोई भाई संपर्क करना चाहता होगा तो आपसे संपर्क कर लगा। 90-50 हाँ जी 52 हाँ 20 हाँ 37 90-50-52 37 90-50-52-20-37 ये प्रधान जी का मोबाइल नंबर है भाई। हमारा जो भी मतलब वीडियो कैप्चर करने का सिर्फ एक ही मकसद था, एक ही हमारा उद्देश्य है पशुपालन विकास मंच की पूरी टीम का, हरियाणा के नहीं पूरे भारत देश के पशुपालकों को हम बिल्कुल जागरूक करें, अवगत कराएं पशुओं की बात पशुपालकों के साथ, बने रहे पशुपालन विकास मंच के साथ। इतना धंधे भाई उसका हाड़ नहीं बेचे। राम राम भाई, राम राम कर दो आप भी। राम राम जी सब भाइयों, राम राम हमारी हाथ जोड़ की नमस्कार नमस्कार।